अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एफबीआर ने पूरे पाकिस्तान के लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ के 1700 से ज़्यादा जॉब्स अनाउंस की हैं। जॉब डिटेल से पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि एफबीआर है क्या। बेसिकली एफबीआर एक इदारा है जिसका पूरा नाम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फेडरल डिपार्टमेंट है जिसका काम है आप पब्लिक से या कंपनी से टैक्स की अदायगी मुकम्मल करना। यानी जो भी हम टैक्स देते हैं वो चाहे जनरल टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो या इनकम टैक्स हो, कोई भी टैक्स हम जो पे करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं, उसकी रेगुलेटरी जो है, उसकी अथॉरिटी जो है वो एफबीआर के पास है और ये मॉनिटरिंग सब वही करते हैं। ये देखें, आवर सर्विसेज इनमें ऑनलाइन टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम्स, ये इनके ब्रांचेस हैं जो कि हर किसी का अलग अलग काम होता है। इन पोजीशंस में असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी, एलडीसी, वायरलेस ऑपरेटर, सिपाही, ड्राइवर, डिस्पैच राइडर, लेडी सर्चर, माली, सैनिटरी वर्कर और नायब कासिद शामिल हैं। और इनके जो पोस्टिंग प्लेसेस हैं यानी जो जॉब ये अनाउंस हुई हैं, ये वैकेंट सीट हैं, ये हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद, गिलगित बल्तिस्तान, डीआई खान, कोहाट, ग्वादर और रावलपिंडी में। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अप्लाई करने कैसे करते हैं। अप्लाई करने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल में जाके NJP.gov.pk लिखना है। जैसे आप लिखकर इंटर करेंगे तो यहाँ पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल ओपन होने के बाद आप यहाँ पर जॉब सर्च करेंगे डिपार्टमेंट वाइज। यहाँ देख रहे हैं कि सभी जॉब्स न्यूज हेडलाइन में शो हो रही हैं। तो यहाँ पर आ गई है पाकिस्तान कस्टम डिपार्टमेंट FBR 1642 वैकेंसीज। तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि सभी जॉब्स यहाँ पर शो हो चुकी हैं, रीजन वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज शो हो चुकी हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में आप देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के आप सिपाही, ड्राइवर, यूडीसी, सिपाही, ड्राइवर, लेडी सर्चर, नायब कासिद, ये इस्लामाबाद की आ गई। इस्लामाबाद के बाद ये नीचे हम आएंगे सैनिटरी वर्कर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर कोहाट के लिए, ये सिपाही की सीट क्वार के लिए, तो ये डीआई खान, मतलब के हर रीजन वाइज ये यहाँ पर अलग अलग से सीट शो की गई है। आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हैं आप अपने एरिया के हिसाब से आप अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फैसलाबाद का हूँ तो आप फैसलाबाद की एलडीसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडोज ओपन हो जाएगी जहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्लीज लॉग इन और साइन अप टू अप्लाई। यानी आपने लॉग इन या साइन अप जरूर करना है इस जॉब के लिए। ये देखिए लॉग इन हो गया। लॉग इन होने के बाद आप अपना प्रोफाइल यहाँ पर बिल्ड करेंगे। जो भी आपका प्रोफाइल है, सीवी और अपनी बायोडाटा पूरी कंप्लीट आपने यहाँ पर फिल करनी है। फिल करने के बाद आपने आकर अप्लाई पे क्लिक करना है। उम्मीद करते हैं अप्लाई करने का तरीका आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी अप्लाई कर सकें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।